हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। फरीदाबाद एनआईटी से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां नीरज शर्मा ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। नीरज शर्मा ने कहा कि 150 करोड़ के घोटाले हैं, जिसको लेकर सीएम को कागजात सौंपे हैं, घोटालों की लिस्ट की जांच होनी चाहिए। वहीं गुरुग्राम के खिड़की दौला कॉल सेंटर कारोबारी के साथ हुई कथित ज्यादती को लेकर भी नीरज शर्मा ने सरकार पर अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण देने के आरोप लगाए हैं। नीरज ने कहा कि गुरुग्राम में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। मुख्यमंत्री जी से मैंने एक डिमांड करी है कि इन सब की जांच आप विजिलेंस से कराएं, क्योंकि आधे अधूरे नगर निगम में रिकॉर्ड है। वहां पर हमारे रिकॉर्ड रूम में लोगों ने, भ्रष्ट लोगों ने आग तक लगवा दी है। यही सब बात मैं आपके समक्ष कहने के लिए उपस्थित हुआ।